आगे बढ़ें और आपको बताएं कि एक जानिब तो मंसूबों के लिए फंड्स नहीं है, जबकि दूसरी जानिब अपने कामों के लिए धड़ाधड़ पैसे जारी किए जा रहे हैं। बुज़दार सरकार का कफायतशारी का नारा ठुस हो गया। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की महंगी परवाज, हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस 2 करोड़ की बजाय 7 करोड़ रुपये में होगी। उस्मान बुज़दार ने मंजूरी भी दे दी है, मालूमात लेंगे हसन रजा से। हसन रजा, करोड़ों रुपए के जो है मामलात हैं, क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल, ये जो है फंड्स की सप्लीमेंट्री ग्रांट से जारी की गई देने की मंजूरी दी गई है। सप्लीमेंट्री ग्रांट वो होती है जो मखसूस फंड से हटकर होते हैं, जब बहुत इमरजेंसी फंड की जरूरत हो उसके लिए जो है महकमा सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानब से जो है एविएशन फ्लाइट रोटरी विंग की जानब से जो असम्बली मूव की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि माजी में गुजश्ता हुकूमत ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए की जो है वो इंश्योरेंस करवाई थी, जो कि 12 दिसंबर 2018 को खत्म हो रही है, खत्म हो चुकी है। अब उसके बाद जो है मौजूदा हुकूमत ने करानी है, जिसके लिए टेंडर्स वगैरह किए गए, तो अब तक जो आ चुका है वो 7 करोड़ पैसे ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसमें अगर हुल देखा जाए हुल में तो 6 करोड़ 50 लाख उसमें जो है प्रीमियम आता है, और टीपीएल में जो है वो 14 लाख रुपए, और PA2Q जो फॉर बैठने के लिए होता है वो जो है वो 2,60,000 रुपए। इसी तरह PA2 पैसेंजर का भी है 0.65% लगाया गया है, जबकि गुज़श्ता में देखा जाए तो गुज़श्ता हुकूमत ने 0.15% पे जो है वो प्रीमियम किया था। इसी तरह टोटल जो है वो सरकारी खजाने से 7 करोड़ रुपए से जायद जो है 7 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद जो है वो पैसे सप्लीमेंट्री ग्रांट से जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। ये वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के जरिए इस्तेमाल हेलीकॉप्टर है। अभी तक किसी वजीर ने ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं किया, ना ही किसी सेक्रेटरी ने इस्तेमाल किया है, ये सिर्फ और सिर्फ वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के जरिए इस्तेमाल हेलीकॉप्टर है, जिसकी गुज़श्ता हुकूमत से कई गुना ज्यादा महंगे दामों जो है वो करवाई जा रही है, जिसकी मंजूरी जो है इन्हीं के ग्रांट की मंजूरी भी दे दी गई है। शुक्रिया हसन रजा, आप अपडेट कर रहे थे।